बेगूसराय में बिहार इंजीनियरिंग के छात्रों ने आज विभिन्न मांगों को लेकर जमकर बवाल काटा। आक्रोशित छात्र एवं छात्राओं ने आज ट्रैफिक चेक के समीप एनएच को जाम कर घंटों आवाजाही को अवरुद्ध कर दिया। इस जाम की वजह से कड़कड़ाती धूप में हजारों गाड़ियां और लोग जाम में फंसे रहे। बाद में एसडीओ और डीएसपी के मौके पर पहुंचकर छात्र छात्राओं को समझाया बुझाया। काफी मशक्कत के बाद जाम को हटाया जा सका। छात्रों का आरोप है कि काफी बड़े कंपटीशन के बाद उनका नामांकन इंजीनियरिंग कॉलेज में हुआ है। छात्रों को यह उम्मीद थी कि रामधारी सिंह इंजीनियरिंग कॉलेज में उनके पढ़ने की बेहतर व्यवस्था होगी, पर छात्रों का आरोप है कि ना तो उनके लिए पढ़ाई की समुचित व्यवस्था है, ना ही कॉलेज कैंपस में दूसरी कोई अन्य व्यवस्था है, जिसके कारण उनका भविष्य अंधकारमय बन गया है। बता दें कि विभिन्न कॉलेजों में इस तरह की शिक्षा व्यवस्था देखने को मिल रही है। छात्र सड़कों पर उतर रहे हैं, फिर भी कॉलेज प्रशासन इनकी समस्याओं की तरफ ध्यान ना देकर इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। हम लोग स्टडी कर रहे हैं इस कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में। इसमें ना कैंपस की व्यवस्था है, दो कैंपस में जाना पड़ता है हम लोग पढ़ने के लिए, और ना लैब है, लैब भी नहीं होता है, एक दिन भी लैब नहीं होता है यहाँ पे। फिर हम लोग को पॉलिटेक्निक जाना पड़ता है, पॉलिटेक्निक जाने के लिए बस की सुविधा नहीं है, कोई भी गाड़ी नहीं मिलता। प्रिंसिपल सर से बात करते करते थक गए हम लोग। इसका समाधान नहीं देता, समाधान इसका विभाग करेगा। हम लोग प्रशासनिक तरीके से, प्रशासनिक प्रशासन के माध्यम से अभी तक ये लोग अपने स्तर से कर रहे थे। हम लोग प्रशासन के स्तर से इन लोगों को डिमांड संबंधित जो जेन्युइन फोरम है वहाँ हम लोग पहुँचाए। आगे जब तक ये मेरी मांग पूरी नहीं हो जाती है, तब तक हम लोग रोड पर प्रदर्शन करते रहेंगे। मेरा नाम दिनेश वर्मा, ट्रिपल ई ब्रांच।